दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी लेडी की जिसके परिवार को वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जनरल मार देता है। इसके बाद वो लेडी उस जनरल से कैसे बदला लेती है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हम क्लेयर नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने बेटे बेन के साथ पार्क में बैठी थी। अब बेन वहां पर खेल ही रहा था कि तभी क्लेयर को किसी की सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो देखती है तब एक आदमी अपने डॉग को बुला रहा था। अब इस आदमी को देखकर क्लेयर किसी को याद करने लगती है। इसके बाद क्लेयर उस आदमी का पीछा करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन क्लेयर को लगा था कि वो आदमी कोई ऐसा था जिसे वो पहले से जानती थी। इसके बाद क्लेयर उस आदमी को ढूंढने लग जाती है। क्लेयर हर उस जगह जाती है जहां पर वो आदमी जा रहा था। अब क्लेयर का पीछा करना उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बार क्लेयर उस आदमी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। यहां पर वो आदमी अपनी वाइफ के साथ रह रहा था। यहीं पर बाहर से क्लेयर ये सब देख रही थी। अब उनका एक डॉग था और वो अचानक से क्लेयर पर भौंकने लगता है। इसके बाद क्लेयर घर के बाहर एक कोने में छिप जाती है। अब क्लेयर इस काम में इतनी खो जाती है कि वो अपने बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती, और वो बेन को स्कूल से लाना भी भूल जाती है। इसके बाद क्लेयर का हस्बैंड जिसका नाम लुइस था, वो क्लेयर से इस सब का मतलब पूछता है, पर क्लेयर इस बात को टाल देती है। अब क्लेयर उस आदमी के बारे में जानने के लिए इतना इंटरेस्टेड थी कि वो उस आदमी की फैक्ट्री में एज ए वर्कर काम करने लगती है, और वो यहाँ पर ज्यादातर समय उसी आदमी पर ध्यान रखती कि वो आदमी कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। अब ये सब करने के बाद क्लेयर अपना प्लान कैंसिल करने का प्लान बनाती है। यहीं पर जब वो आदमी अपना काम खत्म करके जा रहा था तब क्लेयर उसे अपनी मदद करने के लिए बुलाती है। वो यहाँ पर उस आदमी से कहती है कि मेरी कार खराब हो चुकी है। इसके बाद वो आदमी उसकी मदद करता है। तभी क्लेयर एक हथौड़े से उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है, और इसके बाद वो उसे अपनी कार की डिग्गी में डाल देती है। इसके बाद क्लेयर उस आदमी को लेकर जंगल में आती है, और वो काफी सोचने के बाद उस आदमी को मारने का डिसाइड करती है। इसके बाद क्लेयर उसे डिग्गी में से निकाल कर एक गड्ढे में डाल देती है। अब वो गड्ढे में गिरने की वजह से वो आदमी होश में आ जाता है। इसके बाद क्लेयर उसे गन पॉइंट कर लेती है। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है, और वो रोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। साथ ही वो उससे कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, और शायद मैं वो आदमी नहीं हो जिसे तुम मारना चाहती हो। ये सुनने के बाद क्लेयर अपना डिसीजन वापस ले लेती है, और वो सोचती है कि क्या ये वही आदमी है जिसे मैं ढूंढ रही थी, और इसी की वजह से क्लेयर उस आदमी को नहीं मारती। इसके बाद वो फिर से उस आदमी को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर अपने घर ले आती है। इसके बाद क्लेयर अपने हस्बैंड से बात करती है, और वो लुइस को सारी बात समझाती है। अब असल में क्लेयर एक ज्यू थी, और वो हॉलोकास्ट की सर्वाइवर थी, और हॉलोकास्ट एक हिटलर का जर्मन मिशन था, और उसने सारे यीशु लोगों को टॉर्चर करने का डिसाइड किया था, जिसमें उसने 60 लाख ज्यूज को मार डाला था, और उस समय बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत हुआ था। और उस समय पर क्लेयर अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ थी, और उन्हें बॉर के दौरान बहुत टॉर्चर किया गया था। यहाँ तक कि क्लेयर उसकी मदर और उसकी सिस्टर के साथ जबरदस्ती की गई थी, और इसके बाद क्लेयर की मॉम और उसकी सिस्टर को गोली मार दी गई थी। लेकिन क्लेयर इस सब में बच गई थी, और वहाँ पर एक जनरल था, और उसके बोलने का सीटी बजाने का तरीका क्लेयर को पता था, और उसी ने ही उसकी मदर और सिस्टर को मार डाला था। वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता था जिसकी वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाई, और उसे उस जनरल की बाकी सारी चीजें पता थी। अब क्लेयर को बस बदला चाहिए था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिस आदमी को वो डिग्गी में डालकर अपने घर पर लाई है ये आदमी वही जनरल है। यहाँ पर ये सारी बातें क्लेयर लुइस को बता देती है। इसके बाद लुइस कार की डिग्गी के पास जाता है, और ये दोनों मिलकर उस आदमी को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद ये दोनों उस आदमी को बेसमेंट में रख देते हैं। ये लोग यहाँ पर उसे कुर्सी से बांध देते हैं, जिसके बाद लुइस उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो आदमी उन्हें अपना नाम स्टीव बताता है। वो उन्हें बताता है कि पहले मैं दूसरी कंट्री में रहता था, और मैं 2 साल पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। ये सुनकर क्लेयर उससे पूछती है कि क्या तुम एक समय पर जर्मन कैंप में नहीं थे, और क्या तुम्हारा नाम थॉमस नहीं था। जिस पर स्टीव उनसे कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, और क्योंकि मैं कभी भी जर्मन कैंप में जनरल नहीं था। अब क्योंकि तुम्हें कंफर्म करना है तो तुम कंपनी में जाकर पता कर सकती हो, क्योंकि कंपनी में मेरे सारे रिकॉर्ड्स हैं, और अगर तुम चाहो भी तो तुम मेरे पास्ट के बारे में भी पता कर सकती हो। इसके बाद क्लेयर उसकी बात पर गुस्सा हो जाती है। यहीं पर लुइस भी उसे धमकाने की कोशिश करता है ताकि स्टीव ने सब कुछ सच सच बता दे। अब इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी स्टीव मान नहीं रहा था। इसके बाद ये दोनों स्टीव को बेसमेंट में छोड़कर सोने के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ पर लुइस सोचने लगता है कि शायद क्लेयर को गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि क्लेयर को इस सब का पहले से ही सदमा है, इसीलिए वो शायद स्टीव को थॉमस समझ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्लेयर को अपने आप पर पूरा भरोसा था। अब इसके बाद क्लेयर
स्टीव को टॉर्चर करने लगती है और वो उससे सच बुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव उसकी किसी भी बात को नहीं मान रहा था। वो हमेशा यही कहता रहता है कि वो थॉमस नहीं है। अब काफी टॉर्चर होने के बाद स्टीव उन दोनों के सामने रोने लगता है। स्टीव उनसे कहता है कि मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है और मैं अकेला कमाता हूँ और मेरी फैमिली को मेरी काफी चिंता होगी, तो अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा। अब ये सब कहने के बावजूद भी क्लेयर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और एक समय पर मौका देखकर स्टीव चेयर से अपने हाथ बाहर निकाल लेता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो यहाँ से भाग नहीं पाता। तभी यहाँ पीछे से लुईस उसे जोर से धक्का मारता है जिसकी वजह से स्टीव का शोल्डर टूट जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। अब वो चीखने की आवाज सुनकर क्लेयर का पड़ोसी बाहर आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। इस पर क्लेयर कहती कि हाँ सब कुछ ठीक है। इसके बाद स्टीव को फिर से बेसमेंट में बांध दिया जाता है। इसके बाद लुईस स्टीव के शोल्डर को ठीक करता है क्योंकि लुईस एक डॉक्टर था। अब इसके बाद लुईस स्टीव के बारे में पता करने लगता है। वो स्टीव के बारे में जानकारी निकालता है कि वो इससे पहले कहाँ रहता था, क्योंकि जो भी स्टीव ने बताया है कि क्या वो सच है। इसके बाद लुईस रियलाइज करता है कि जो भी स्टीव ने बताया है वो सब कुछ सही है। अब क्योंकि वो फैक्ट्री में कुछ समय पहले ही ज्वाइन हुआ था और वो असल में रहने वाला स्विट्जरलैंड का था। अब लुईस अब स्टीव को कोई दूसरा आदमी समझने लगा था क्योंकि वो ये क्लियर करना चाहता था कि क्या क्लियर ये सब कुछ अपने ट्रॉमा की वजह से कर रही है या फिर ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसके बाद वो क्लियर के ट्रॉमा के बारे में वो उसके डॉक्टर से बात करता है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि क्लियर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि लुईस को भी लगने लगा था कि शायद क्लेयर अपनी ट्रॉमा की वजह से ये सब कर रही है। इसके बाद लुईस क्लेयर की बातों पर सोचना बंद कर देता है। दूसरी तरफ क्लेयर 100% श्योर नहीं थी कि स्टीव ही थॉमस है और वो उससे उगलवाने के लिए टॉर्चर करने लगती है। क्लेयर यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके आजमाती है और वो उससे सच बुलवाने की कोशिश करती है। अब सब कुछ होने के बाद स्टीव अपनी वही पुरानी बातें दोहरा रहा था और क्लेयर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो स्टीव को बहुत बुरी तरह से मारती है जिससे उसके चेहरे पर गहरे गहरे घाव हो जाते हैं। इसके बाद लुईस घर पर आता है और वो देखता है कि स्टीव के शरीर पर चोट के गहरे गहरे निशान हैं और वो समझ जाता है कि ये सब क्लियर नहीं किया है और वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो क्लेयर से कहता है कि तुम्हारी वजह से इसे क्लिनिक तक ले जाना पड़ सकता है। अब लुईस क्लेयर से गुस्से में बात करने के बाद स्टीव के पास जाता है और वो फिर से वही सवाल पूछने लगता है लेकिन जवाब नहीं बदलते। अब यहाँ पर लुईस जब स्टीव से बात कर रहा था तभी कुछ अजीब हुआ। यहाँ पर क्लेयर ऊपर के रूम में थी तभी उनके घर के बाहर पुलिस ऑफिसर, स्टीव की वाइफ और उसका पड़ोसी आ जाता है, क्योंकि स्टीव काफी समय से गायब था और इसीलिए उसकी पत्नी उसे ढूंढ रही थी और साथ ही उनके पड़ोसी ने कल रात कुछ आवाज सुनी थी क्योंकि स्टीव उनके घर में से मदद के लिए चिल्ला रहा था और इसी वजह से पुलिस ऑफिसर यहाँ पर चेक करने आया था। यहाँ पर क्लेयर पुलिस ऑफिसर को बताती कि मदद की आवाज उनके घर से नहीं आ रही थी बल्कि रोड पर से किसी रैंडम आदमी ने की होगी, क्योंकि मैं भी रात में घर से बाहर ये देखने के लिए आई थी कि कौन मदद के लिए चिल्ला रहा है। इसी दौरान क्लेयर अपने घर की दीवार पर खून के निशान नोटिस करती है और ये खून शायद स्टीव का ही था। इसके बाद क्लेयर उसे छुपाने लगती है। यहाँ ऊपर तो सब कुछ सही चल रहा था लेकिन नीचे स्टीव और लुईस ही झगड़ रहे थे क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि ऊपर पुलिस ऑफिसर है। अब स्टीव से झगड़ने के बाद लुईस उसका मुंह बंद कर देता है। इसके बाद वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वो देखता है कि पुलिस ऑफिसर सीधे उसके सामने खड़ा है। इसके बाद लुईस उससे बात करता है। अब क्योंकि लुईस एक इनोसेंट और रेस्पेक्टेड डॉक्टर था और इसी वजह से वो पुलिस ऑफिसर उससे कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछता। इसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है लेकिन जाते वक्त वो कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि लुईस के सर पर एक चोट लगी थी और ये चोट अभी अभी लगी थी। अब ऑफिसर जब इसका रीजन पूछता है तब लुईस एक अच्छे से जवाब नहीं दे पाता लेकिन फिर भी वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर क्लेयर को पता चल गया था कि स्टीव की वाइफ कौन है और उसकी पत्नी का नाम रेचेल है। अब इसके बाद क्लेयर रेचेल से मिलने का डिसाइड करती है क्योंकि वो चाहती थी कि रेचेल से वो स्टीव के बारे में जान सके जिससे उसे पता चल जाए कि शायद स्टीव कभी जनरल भी था। अब ये सोचकर क्लेयर रेचेल से मिलने चली जाती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि स्टीव की एक बेटी भी है और हाल ही में उसे एक बेटा भी हुआ था। अब यहाँ पर क्लेयर धीरे धीरे रेचेल से स्टीव के बारे में जानने लगती है लेकिन उसे यहाँ से कोई खास जानकारी नहीं मिलती क्योंकि असल में जो सब चीजें स्टीव ने बताई थी वही रेचेल बोल रही थी और इस बात से क्लेयर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। लेकिन क्लेयर अभी भी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि स्टीव जनरल थॉमस नहीं है क्योंकि उसे भले ही उसका चेहरा याद न हो लेकिन थॉमस ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और इसी वजह से वो स्टीव को अभी जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। अब इसके बाद रात में जब लुईस
क्लेयर से बात करने लगता है। तब क्लेयर उसे बताती कि वर्ल्ड वार टू के समय में उन्हें मुश्किल से खाना भी नहीं मिलता था और किसी तरह उसकी बहन और माँ ने वर्ल्ड वार टू को सर्वाइव किया था। और जब वॉर खत्म हो गई तब उन्हें लगा कि वो लोग बच जाएंगे, लेकिन आखिरी दिन ही जर्मन लोगों ने उनके साथ जबरदस्ती की थी और क्लेयर की मॉम और सिस्टर को मार दिया। अब क्लेयर की सिस्टर बहुत छोटी थी और इसीलिए वो जर्मन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन यहाँ पर लुइस को स्टीव से एक बात पता चली थी कि वो जर्मन बॉर में एज ए किलर काम करता था और साथ ही वो कहता है कि अब मेरा उन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद लुइस इस बात को एग्जामिन करने के लिए जाता है और क्लेयर रिचेल के पास जाती है। यहाँ पर क्लेयर रिचेल से बातें करने लगती है और जो बातें स्टीव ने उसे बताई थी वही बातें रिचेल उसे बताती है। और इसी दौरान क्लेयर की नजर उसकी रिंग पर पड़ती है जो कि देखने में उसकी सिस्टर की रिंग की तरह थी, लेकिन ये रिंग उसकी सिस्टर की नहीं थी। लेकिन इस रिंग पर एक बात नोटिस करने की थी क्योंकि इस रिंग पर जियो साइन बना हुआ था। अब यहाँ पर क्लेयर को लगता है कि शायद रिचेल एक जियोस है। अब अगर स्टीव एक जर्मन जनरल था तो ये कैसे संभव है कि वो किसी जियोस लड़की के साथ कैसे शादी करे। इस बात से उसे और भी लगने लगता है कि स्टीव थॉमस नहीं है। अब इसके बाद क्लेयर उस रिंग की बात को याद करते हुए घर आती है और वो यहाँ पर स्टीव को फिर से सच बोलने को कहती है, साथ ही वो उसे टॉर्चर भी करने लगती है। इसी दौरान वो उसके हाथ में उसकी सिस्टर जैसी रिंग देखती है क्योंकि क्लेयर को लग रहा था कि ये रिंग शायद उसकी सिस्टर की है, लेकिन इस रिंग पर भी जियोस का ही सिंबल था। इससे क्लेयर को ये बात कंफर्म हो जाती कि स्टीव ही थॉमस है। इसके बाद क्लेयर उसकी उंगली काटकर वो रिंग निकाल लेती है। अब क्योंकि स्टीव ने लोगों को बॉर के दौरान मारकर उनकी अंगूठियां ले ली थी, जिसमें से एक अंगूठी उसने अपनी वाइफ और एक अंगूठी खुद पहन ली थी। अब कुछ समय बाद वहां पर लुइस पहुंचता है और वो स्टीव के हाथ से खून बहता हुआ देखता है। ये सब देखकर वो काफी गुस्सा होता है और क्लेयर से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर क्लेयर भी काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन लुइस गुस्से में था और वो क्लेयर को थप्पड़ मार देता है और इसके बाद स्टीव की मरहम पट्टी करने लगता है। इसके बाद क्लेयर घर के बाहर चली आती है और वो सोचने लगती है कि क्या स्टीव ही थॉमस है, और वो अपने ऊपर शक करती है कि वो किसी गलत आदमी को टॉर्चर कर रही है। अब ये सब सोचने के बाद उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्टीव ही थॉमस है। अब क्लेयर को ये प्रूफ करना बहुत जरूरी था क्योंकि अगर उसकी ये बात झूठी निकली तो लुइस कभी उस पर यकीन नहीं करेगा और ये प्रूफ हो जाएगा कि क्लेयर अपने ट्रॉमा में आकर ये सब कुछ कर रही थी। इधर स्टीव लुइस से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसा ना करने का मेरे पास एक रीजन है, क्योंकि असल में मैं स्विट्जरलैंड का नागरिक हूँ और अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहा हूँ, और जब मैंने अपनी अमेरिकन वाइफ से शादी की थी तब मैं पहले से ही शादीशुदा था और इसी वजह से ही मुझे ग्रीन कार्ड अभी तक नहीं मिला है। अब क्योंकि अगर मैं पुलिस के पास गया तो मुझे ही कंट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि मेरी यहाँ पर फैमिली है और मैं अपनी फैमिली के लिए यहीं पर रहना चाहता हूँ, तो तुम प्लीज मुझे छोड़ दो और मैं पुलिस के पास कभी नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद लुइस क्लेयर से कहने लगता है कि हमें स्टीव को छोड़ देना चाहिए। साथ ही वो कहता है कि अब तक स्टीव ने जो हमें बताया था वो सब कुछ सही निकला था, जिस पर क्लेयर से कहती कि मैं बस एक बार और ट्राई करना चाहती हूँ। इसके बाद क्लेयर आखिरी बार रिचेल से मिलने जाती है और वो यहाँ पर स्टीव और वर्ल्ड वार टू के रिलेटेड कुछ जानकारी पूछती है। यहाँ पर रिचेल कहती है कि स्टीव वर्ल्ड वार टू में शामिल नहीं था, लेकिन वर्ल्ड वार टू खत्म होने के बाद भी उसे नाइट मैस आते हैं और वो रात को सो नहीं पाता और उसकी अचानक से नींद खुल जाती है, और इसका मतलब यह है कि असल में स्टीव वर्ल्ड वार टू में था। और इतनी इन्फॉर्मेशन ही क्लेयर के लिए काफी थी और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि स्टीव ही थॉमस है। इसके बाद क्लेयर घर पर जाती है और स्टीव के सर पर गन पॉइंट करके कहती कि बताओ तुम ही थॉमस हो, लेकिन इस बार भी स्टीव ना कहता है। इसके बाद क्लेयर उससे कहती कि तुम्हें अभी भी वर्ल्ड वार टू के नाइट मैस आते हैं, तो अगर तुम वर्ल्ड वार टू में नहीं थे तो तुम्हें नाइट मैस क्यों आते हैं। अब ये सुनकर स्टीव अच्छे से जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद क्लेयर उसे फिर से कार की डिग्गी में डालती है और उसे जंगल में लेकर जाती है जहाँ पर क्लेयर ने पहले से ही गड्ढा बनाया हुआ था, और वो स्टीव को वहाँ बैठा कर उससे सच बोलने को कहती है। यहाँ पर क्लेयर उसे कहती है कि अगर तुमने सच बोल दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी क्योंकि तुम्हारी एक अच्छी फैमिली और तुम्हें उनके पास वापस जाना चाहिए, और अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यहाँ पर क्लेयर उसे सच बोलने के लिए बहुत फोर्स करती है और फिर आखिरकार स्टीव मान लेता है कि हाँ वही थॉमस है और वो बॉर के टाइम पर वहाँ पर जनरल था और उसने और उसके जियो सोल्जर्स ने काफी सारी लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी, और इसी में वो क्लेयर की फैमिली को भी बताता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को लास्ट में मार दिया था लेकिन तुम्हें कोई गोली नहीं लगी। अब ये सब बताने के बाद स्टीव रोने लगता है और वो इस सब की माफी मांगने लगता है। इसके बाद क्लेयर ये सब सुनकर वर्ल्ड वार टू की डरावनी यादों में चली जाती है। उसे ट्रॉमा होने लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये सब देखकर लुइस गुस्से में आ जाता है और वो स्टीव को शूट करने लगता है, जिससे कि स्टीव वहीं पर मारा
जाता है। अब इसके बाद स्ट्यू की बॉडी गड्ढे में गिर जाती है, जिसके बाद लुईस और क्लेयर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। इसके बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं और घर आने के बाद वो बेसमेंट से सभी निशानों को मिटा देते हैं और इसके बाद ये दोनों कभी भी इस बारे में बात नहीं करते। अब मूवी के लास्ट में हम लुईस और क्लेयर को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए देखते हैं। यहाँ पर उनका बेटा बेन और रेचल की डॉटर साथ में खेल रहे थे, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि क्लेयर रेचल के साथ अभी भी दोस्ती बनाए हुए है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।